खबर चंदौली जनपद के चकिया तहसील के ग्राम सभा पिपरिया से है, जहां योगी सरकार द्वारा लाखों रुपए आवास, शौचालय, राशन कार्ड जैसी योजनाओं पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन उनके ही तमाम कवायदों के बाद भी उन्हीं के कर्मचारी की मिली भगत से सरकार की सभी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ग्राम सभा पिपरिया के लोगों ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के भ्रष्टाचार से तंग होकर पूर्व प्रधान के नेतृत्व में तहसील दिवस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव की समस्या को उप जिलाधिकारी चकिया को मामले से अवगत कराते हुए प्रमुख रूप से कहा कि ग्राम सभा पिपरिया में सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मिली भगत से गांव में बने शौचालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका प्रार्थना पत्र गांव के मनोज कुमार द्वारा मुख्य विकास अधिकारी चंदौली को पहले भी अवगत कराया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गांव में त्रिस्तरीय कमेटी द्वारा जांच करवाया जा चुका है, जिसमें जांच के बाद कुल शौचालय 135 में मात्र 47 शौचालय ही सत्यापन में पाए गए और शौचालय का पैसा गमन हो गया। वहीं आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। गांव के अति पिछड़े आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग जो कि झुग्गी झोपड़ी में लगाकर रह रहे हैं, उनका पक्का मकान दिखाकर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया तथा गरीब असहाय लोगों को राशन कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। ये जो है चकिया ब्लॉक के पिपरिया ग्राम सभा का मामला है। पिपरिया ग्राम सभा में भारी संख्या में गरीब लोगों का, जिसमें विभिन्न जाति के लोग हैं, मुसहर भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको राशन कार्ड अंत्योदय का मिला हुआ था, वो राशन कार्ड को भी काट दिया गया बिना कोई जांच की। आप ये समझिए, आज इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय चकिया के समक्ष में उठाया है कि आप ये बात को हमको बताइए कि मुसहर जाति का जो अभी भी जो है गरीबी रेखा से काफी नीचे है, कोई ऊपर नहीं उठ पाया है, और उनका राशन काटना कहाँ तक न्यायोचित है? वहाँ मामला तो राशन कार्ड का आपके सामने आ गया कि सारे पात्रों का अंत्योदय कार्ड जो काट दिया गया है। ये कई चक्कर लोग बीडीओ साहब के यहाँ, पूर्व जो एसडीएम साहब उनके यहाँ आए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज आए, आश्वासन दिए कि हम एक हफ्ता के अंदर भाई जो है पात्र व्यक्ति सारा जाँच करवा करके हम लोग बना देंगे। एक हफ्ता के उनको एसडीएम साहब को हम लोग मौका दिए कि ठीक है, एक हफ्ता के लिए मौका ले लीजिए, एक हफ्ता के बाद अगर बन जाता है तो सही बात है, नहीं एक हफ्ते के बाद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, धरने बैठने के लिए बात हो जाए। आप पूर्व प्रधान है, आपके गांव में किस स्तर तक का भ्रष्टाचार है और किन के द्वारा किया जा रहा है? भ्रष्टाचार तो अभी तक मतलब 6 महीना पहले शौचालय का करीब करीब 8.5 लाख रुपया घोटाला किया गया है। उसमें हम खुद जांच करवाए थे, कमेटी द्वारा जांच हुआ था, डीओ पंचायत कमेटी गठित किए थे, कमेटी गठित हुआ, जांच हुआ, उसमें मात्र 135 में मात्र 47 लोग का अभी तक शौचालय बनाया गया है।